15th board. I would like to please welcome. Now, oh, thank you so much. Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज हमारे जो ये थर्ड ईयर के लिए जो हमारी कमेटी बनी है, मुझे प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है बाबर अशरफ साहब और हमारे जो स्कूल की जो हमारी कमेटी उसके मेंबर मिसबाहुल इस्लाम साहब और हमारे बाकी जो मेंबर है दरगाह कमेटी के मुनव्वर साहब, हमारे सपात खान साहब, वसीम खान साहब, सभी लोग आए और आज टीचर्स की तरफ से वेलकम था, उनसे छोटा सा एक डिस्कशन था और उसके बाद हमारी जो स्मार्ट प्ले क्लासेस थी 3 उसका आज इनॉग्रेशन भी था क्योंकि ये जो वक्त है उसमें किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करें, उनको खेल खेल में उनकी एजुकेशन हो, उसको देखते हुए क्योंकि हमने जब हम कमेटी में आए थे तभी हमने वादा किया था कि हम कुछ नया करेंगे, स्कूल का भी जो एजुकेशन लेवल है, इसका एकेडमिक लेवल है, उसको ऊपर लेके आएंगे। स्पोर्ट्स में ऑलरेडी ये बहुत अच्छा था लेकिन हम और इसको अच्छा करना चाहते थे तो आज किया है और हम इस साल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस स्कूल के अंदर और एकेडमिक लेवल को ऊपर लाने के लिए हम जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो सीनियर बच्चे उनके लिए काफ़ी काम करने वाले हैं। तो मैं हमारे तमाम आज हमने टीचर्स को भी मोटिवेट किया क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है, कई सारे चैलेंजेस सामने हैं, उनकी सैलरी का और बच्चों की फीसेस का, वो कई चीज़ें थी वो उनको हमने मोटिवेट किया है और वो पूरे कॉन्फिडेंस से हम पूरी जो हमारी कमेटी उनके पीछे खड़ी हुई है, हमने कहा कि आप मेहनत कीजिए, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर आप, ताकि ख्वाजा मॉडल स्कूल का बच्चा निकल के जाए तो देश में कहीं ना कहीं अपना नाम करे, इस कमेटी का नाम करे, स्कूल का नाम करे। तो हम लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें नई कर रहे हैं, नया नवाचार कर रहे हैं और उसके अंदर हमने ये 3 स्मार्ट जो प्ले क्लासेस था उसका इनॉग्रेशन हमारे तमाम मेंबरों ने और हम लोगों ने किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंदर हम और बहुत सारे काम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के लिए हम करने वाले हैं। अमीन भाई, ड्रीम प्रोजेक्ट था ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी जी, वो कहाँ तक था? बिल्कुल वो चल रहा है, उसमें आपको पता होगा बाउंड्री वाल का काम हो गया, हमने उसका टेंडर भी कर दिया था और उसकी फाइल लैंड यूज चेंज की जो गवर्नमेंट में गई हुई है तो तमाम काम हमारे बिल्कुल पाइपलाइन के अंदर है और बीच में कोविड आ गया नहीं तो काम भी वहाँ पे शुरू हो जाता, तो उसका हो सकता है कि वो अभी हम उसको दिखवा रहे हैं कि वो टेंडर किस प्रोसेस पे है अभी। तो बहुत सारे काम देश के ही नहीं पूरी दुनिया के काम रुक गए थे तो उसके अंदर ये भी इसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम उस काम को भी शुरू कर देंगे और वो हमारा जो ये टाइम है उसके अंदर बहुत सारे काम हमको यहाँ पे करने शुरू हो गए, कुछ काम पूरे हो जाएंगे, बाकी भी करते रहेंगे और स्कूल को भी बहुत बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग पूरे 9 के 9 मेंबर है, वो पूरे कमिटमेंट है कि हम एजुकेशन के लिए हमारा जो फ्यूचर है, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बेहतर काम, ख्वाजा मॉडल स्कूल का बच्चा जब पढ़ के निकले तो वो पूरा एक अच्छा इंसान बन के निकले, जो सूफी और संतों ने जो शिक्षा दी है वो उसके अंदर हो क्योंकि अभी बहुत जो मॉरल वैल्यू और जो जिस तरह का माहौल है उसको सही करने के लिए अगर सही चीज़ अगर कहीं से मिल सकती है तो वो क्योंकि हम उसी लिए हम एक सूफी चेयर भी यहाँ पे स्कूल के अंदर भी हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी उसके अंदर भी हम करेंगे तो हम उसका करियर बने, वो एक अच्छा अपने करियर के लिए वो अच्छा करे लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए भी हम लोग पूरे फोकस में उस पर भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।